विकास कार्यों को लेकर रिव्यू किया गया, किस तरीके से डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं सर, और कहाँ पर अभी डेवलपमेंट्स की स्थिति है सर? लगभग NH डिवीजन के और हमारे PWD के और साथ में जो हमारा रोड्स का बोर्ड, तीनों के 8,500 करोड़ के रोड एंड ब्रिज के वर्क्स जो पिछले 4 सालों के अंदर सैंक्शन हुए उनका रिव्यू किया गया है, और लगभग 3 प्रोजेक्ट्स को छोड़ के सभी ऑन टाइम कंप्लीट भी हो जाएंगे। 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके अंदर CRF से अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, मगर क्योंकि फॉरेस्ट की क्लियरेंस मेरठ अभी तक नहीं मिला है इससे ज़्यादा, तो आज ये निर्णय लिया गया है कि उनको हम वाइडनिंग की बजाय स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे कि आम जन को उसकी सहूलियत मिले, जिसमें अजीत सफेदों पानीपत का जो एक बड़ा जंक्शन है, कैथल टू पटियाला जो रोड थी उसको ऑलरेडी सरकार ने कम्प्लीट कर दिया क्योंकि फॉरेस्ट में अच्छा समय लग गया, और प्लस ये डायरेक्शन भी दे दी गई है कि आने वाले समय के अंदर हम लैंड बैंक जो इस साल के बजट अनाउंसमेंट कि 5,000 करोड़ का 5,000 एकड़ का हम लैंड बैंक प्रदेश में तैयार कराएंगे, और ये भूमि पर ऑलरेडी 550 एकड़ की सेल्फ लोगों ने अपनी अपलोडिंग कर रखी है। आज सुबह रेवेन्यू मीटिंग में भी हमने अपील की है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम फॉरेस्ट की वजह से आती है, वाइडनिंग और इन सब चीज़ों उसको पर्याप्त मात्रा में हम कर सकते हैं। 3 खुशी की बात है कि हिसार एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारा बाईपास बनना है, NHAI आज उसका टेंडर फ्लोट कर दिया, और अब जो HSRDC काम कर रही थी रोड एक्विजिशन का और एयरपोर्ट के बाहर बाईपास बनाने का, अब NHAI उसको टेकअप करेगा। उसके साथ 2 हमारे बाईपासेस थे जो हमने मांग NHAI को करी थी, वो हमारे अप्रूवल होगी और जल्द उस पर लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा। जो जींद बाईपास है उसको पूरा रिंग रोड के तौर पर जी, जो कि रोहतक रोड से भिवानी रोड से हमारे आसी रोड के बाद बरवाड़ा रोड, और बरवाड़ा रोड को कनेक्ट झांझ गांव के पास आके एग्जिस्टिंग जो NH है नरवाना वाला उसके अंदर जोड़ने का काम करेगा, उसका अप्रूवल आ गया, लैंड एक्विजिशन का कार्य जल्दी शुरू होगा। और दूसरा उचाणा का बाईपास जो था उसका अप्रूवल आ गया जी, और एक पीछे हमने मांग करी थी कैथल टू राजगढ़ जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नेशनल हाईवे बनाया था, उसमें 5 गांव छोड़ दिए गए थे जिनमें फ्लाईओवर या बाईपास नहीं बनाए गए, उसमें चौधरीवास, मुकलाड, सरसोद बिचपड़ी और सच्चा खेला, आज उनका भी अप्रूवल आ गया कि NHAI ने अप्रूवल दे दिया कि इन 4 गांव के ऊपर से बाईपास बनेगा, जिससे मुझे लगता है जो कैजुअल्टीज 112 से ज़्यादा रिपोर्टेड है पिछले 7-8 सालों के, अब उन गांवों को भी ट्रैफिक से निजात मिलेगी और गांव के अंदर लोगों को सहूलियत भी मिलेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बाईपास के मामले में और बेहतर वहाँ बन जाएगी। साथ में जो पेंडेंसी लैंड एक्विजिशन की वजह से हमारे बाईपासेस थे, जैसे छूछकवास बाईपास 2 बार MLA गज्जर ने भी विधानसभा में बात, आज भी उसका रिव्यू किया कि लगभग हमारे पास 74% लैंड वहाँ पर जिस लोगों की सहमति से ही भूमि पर आ गई, 26% लोग विलिंग नहीं है कि वो लैंड दे देंगे, तो उसके लिए आज ये निर्णय ले लिया कि एक ट्राई हम और करेंगे जिसमें स्थानीय विधायक को भी इन्वॉल्व करेंगे, और अगर उसके बाद भी विलिंगनेस नहीं आती तो लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है 2013 उसके माध्यम से बैलेंस प्रोजेक्ट हम कम्प्लीट करेंगे। इसी तरीके से चीका बाईपास की बात है, लगभग 86% लैंड हमारे पास रजिस्टर हो चुकी है, 14% के लिए डिप्टी कमिश्नर भी स्थानीय विधायक ने भी प्रयास कर लिए, अगर अगले 1 महीने में 14% लैंड नहीं आती तो लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा कर वो बैलेंस वर्क को हम कम्प्लीट भी कर लेंगे और इसको टेंडर प्रोसेस में ले जाएंगे जी। उसके साथ एक नाना का केस ऐसा है जहाँ पर लगभग 10 एकड़ के आसपास हमें बाईपास के लिए लैंड एक्वायर करनी, जिसको हमने अब नए तरीके से मॉडिफाई किया है, जिसमें 1 शेयर वक्फ का है 3 एकड़ का, वो NOC वक्फ बोर्ड दे देगा,
दूसरा 4 एकड़ का पोर्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, वो इरिगेशन की NOC के लिए डायरेक्शन दे दी गई है। और जो बैलेंस वर्क है उसके लिए अगर ये भूमि पे सहमति लोग देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो हम फिर लैंड एक्विजिशन के माध्यम से उस बैलेंस वर्क को भी पूरा करने का कार्य करें। तो इस तरीके से जो हमारे लगभग 16 बाईपासेस इन कंसिडरेशन है उसमें से 11 के आसपास ये भूमि पर अपलोडेड है जहाँ पर लोगों की सहमतियाँ भी आ रही हैं। जैसे जैसे सहमति लिए भी काम शुरू हो, 5 प्रोजेक्ट्स पर हमने थ्रस्ट के साथ अब काम शुरू कर दिया है कि उसको बाय जनवरी एंड हम टेंडर और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रोसेस तक ले जाएंगे जिसमें काम कम्प्लीट हो। सर, ये अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, पिछले बार सेशन में आपने देखा सर कई विधायकों ने अपने क्षेत्र की जो सड़कें टूटने की या इस तरीके की जो बातें रखी थी, उसमें आपका जो विभाग है वो पैच वर्क का जो काम है या आगे सेशन फिर आ रहा है सर 15 दिसंबर से? इस बार 2500 करोड़ से ऊपर जी 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में MLA की रिकमेंडेशन के ऊपर कम्प्लीट किया है जी। और 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर की हमने अभी से प्लान किया जी, और लगभग 3800 करोड़ रुपये के रोड वर्क ऐसे हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चीफ मिनिस्टर से भी फाइनेंशियली हमारे पास हो गया है। और हम मानते हैं कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR, स्टेट हाईवेज और जो हमारी रोड्स PWD चारों के अंदर लगभग 1400 करोड़ रुपए से जो हमारे 1440 करोड़ रुपए टोटल प्रिसाइज हमारे जो नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है और ODR उनकी रीडेवलपमेंट स्ट्रेंथनिंग में हम खर्चा करेंगे। और बैलेंस जो लगभग 2300 करोड़ रुपये उसमें लिंक रोड को हम स्ट्रेंथन और आपने सर विकसित भारत संकल्प यात्रा में गुरुग्राम में आप मौजूद रहे, तमाम जगहों पर मंत्री और सांसद मौजूद रहे सर, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 9 साल में देश में भी और प्रदेश में भी पूरी तरीके से सरकार विफल है। और मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस करी, जो हमने 4 साल में मैं बोल सकता हूँ प्रयास करें उसका नतीजा दिखा जी। कल वहाँ पर मेरे सामने एक व्यक्ति ने आया जिसको ये भी नहीं पता था कि जमाबंदी के लिए आपको पटवारी के पास नहीं जाना पड़ता जी। उसने अपनी जमाबंदी पहली बार लेके देखी बिना पटवारी के सिग्नेचर। वहीं जो समितव के तहत हमने प्रॉपर्टी IDs बनाई है गांव में जी, वो हम प्रिंटआउट्स दे रहे हैं। और आज डायरेक्शन सुबह रेवेन्यू की बैठक में भी हमने दे दिया कि सारे डिप्टी कमिश्नर्स गांव में ड्रोन मैपिंग का होल्डिंग विद प्रॉपर्टी किसकी ओनरशिप दिखाई गई है प्राइमरी तौर पर ऑब्जेक्शन एंड क्लेम्स के लिए विद इन 1 वीक लगवा दें, अखबार में इश्तिहार दे दें कि किसी की ऑब्जेक्शन है तो 1 महीने में वो सरकार को QR कोड के तहत वहाँ पर ऑफिशियली वो लिंक दे देंगे कि वो अपलोड करके ऑब्जेक्शन एंड क्लेम्स डाल सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर तो 1 महीने का टारगेट ले कि हम जैन एंड तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर पाए जी। और सुमित्र के अंदर आज भी सुबह 2 घंटा सारे डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मैंने भी VC करी है जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे 24 लाख प्रॉपर्टीज बनी हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम शोर कर लेंगे। और लाख के आसपास जो पंचायत की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो पंचायत का कोई भवन है, पंचायत घर है, कोई स्टेडियम है, कोई पंचायत के अंदर स्कूल है, उन प्रॉपर्टीज़ को भी डीमार्केट पंचायत डिपार्टमेंट को अब रेगुलरली इन्वॉल्व कर हम करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ना हो। और जनवरी एंड तक दुरुस्तता के साथ हम इस पूरे सुमित्र के प्रोजेक्ट को नेक्स्ट फेज में ले जाने में सक्सेसफुल रहे। उसके साथ साथ जो खेवट बंटवारे की अमेंडमेंट राष्ट्रपति के कंसेंट के बाद हमारे पास आई थी कि 111 और 118A में आपकी मैंडेटरी पार्टीशन का फेज शुरू हुआ है, मैं पिछले 1 महीने से निरंतर इसका 15 दिन में रिव्यू कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि लगभग 2000 के आसपास ऐसी अपील्स हैं जो 1 महीने के प्रोसेस में अपील में DC तक पहुँच गए जी। और आज हमने टारगेट दिया है कि हर पहला और तीसरा वेनसडे जो है हर महीने के पहले और तीसरे वेनसडे को कोई रजिस्ट्री तहसील में नहीं है जी, कोई और कार्य नहीं रहेगा, सिर्फ 111A और 118A के तहत जो मैंडेटरी पार्टीशन है इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर अपनी मॉनिटरिंग करेंगे। VIP ड्यूटीज में भी नॉन रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भेजेंगे, कोई इमरजेंसी कोई स्थिति है उसकी एग्जेम्पशन जरूर ले सकते हैं, मगर इस जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सक्सेसफुली टेकअप करें कि जो खेवट बटारे के नॉन ब्लड रिलेशन में केसेस हैं उसको हम एक्सपेक्टेशन। सर विपक्ष करें विंटर सेशन में हम धान घोटाला, जहरीली शराब से मौत का मामला, ये जो तमाम मामले हैं प्रदेश में जहरीली शराब से मौतें हो रही है या फिर रिव्यू चल रहा है जहरीली शराब वाले के अंदर जो ग्रैंड्स थे
जिस आदमी की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है उस वेंट से लेकर नहीं निकली, मगर उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। आज वो कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में है, जेल के अंदर है। हमने उनके 12 के 12 जोन कैंसिल कर दिए, उनका L1 L13 कैंसिल कर दिया, री ऑप्शन भी कर दिया जी। वहीं ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट पुलिस ने भी CCTV कैमरे हर लिकर वेंट के देखे मिली नहीं है जिसमें लिकर वेंट से अल्कोहल गई। पुलिस की विसरा रिपोर्ट आ जाएगी, अभी वो अल्कोहलिक सब्सटेंस था या कोई और पॉइजनस सब्सटेंस था, वो तो पुलिस इस पर बेटर अपना व्यू पॉइंट दे पाएगी, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, 5 राज्यों के एग्जिट पोल जो आए हैं, जिस तरीके से कहीं कांग्रेस कहीं BJP सब जो है वो सरकार बना, लेकिन सर आप क्या मानते हैं? मानता हूँ कि सारा खेल जो है वो अब 40 घंटे से भी कम का है, और एग्जिट पोल्स तो हमें भी 0 दिखाते थे, हम 10 ले हैं जी। तो ये कहना कि एक छोटा सा सेक्शन जिससे आप टेम्परेरी व्यूज लेते हैं जी और वोटर्स के व्यू पॉइंट को समझेंगे, बट मैं मानता हूँ कि जनता जनार्दन है और उनका फैसला सर्वप्रिय होगा। अब तो जो भी फैसला आएगा, मुझे लगता है जनमत का 3 तारीख को। थैंक यू सर।